राधा माधव कुंज बिहारी गोपीधन बल्लभा गिरिवर धारी गोपीजन बल्लभा गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा पनचारी यमुना यमुना तीरा पनचारी राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीमशिला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान बीबीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुनामयी गंगामयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय।
संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी सब भक्तों की जय जयकारो, सब भक्तों की जय जयकारो, गुरु और गौरांग की जय जयकारो। ओम अज्ञानातिमरंतस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारने मिलकर सारे बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद द्वैत गदाधर सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम राम। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पदाय भूतले श्रीमति भक्ति विधान स्वामी नाम। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचार ने निर्विशेष शून्यवादी मास्टर। आज 10 तारीख है, शनिवार है। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। आज शिला विश्वरूप महोत्सव भी है। ये जो विश्वरूप महोत्सव है ये क्या है? महाप्रभु के प्रकट होने से पहले उनके बड़े भाई विश्वरूप प्रकट हुए थे, तो विश्वरूप ने कोई छोटी अवस्था में ही संन्यास ले लिया था और घर से चले गए थे। तो आज भद्र पूर्णिमा भी है और आज के दिन ही भद्र पूर्णिमा का है कुछ उसमें? वो निकालो भागवत के पहले स्कंद में। और आज के दिन ही भद्र पूर्णिमा के दिन ही हमारे प्यारे गुरुदेव शिला प्रभुपाद जी ने संन्यास लिया था। आज के दिन प्रभुपाद जी का संन्यास मथुरा में हुआ था, केशव जी गौड़िया मठ में, केशव जी महाराज से। और आज के दिन ही चतुर्मास का तीसरा महीना प्रारंभ हो रहा है। तो आज के बाद एक महीने तक दूध नहीं पीना, दूध का व्रत। एक महीने के लिए दूध का व्रत होगा
आज से शुरू हो रहा है वो। तो प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद जी भी ग्रस्त आश्रम में रहे, उन्होंने सन्यास लिया किस लिए? हम सबके कल्याण के लिए। सन्यास लेकर उन्होंने भ्रमण किया, भारत का भी, विदेशों का भी, सारी दुनिया का, और कृष्ण भावना का प्रचार किया। ये जो कृष्ण भावना है, इसके अनुसार चलने से दाढ़ी वाले को चलने से, प्रभुपाद जी के बताए हुए रास्ते पर चलने से हम लोगों का मनुष्य जीवन सफल हो सकता है। सफलता विफलता क्या है? सफलता है कि हम कृष्ण भावना से भावित हो जाए। अभी हमारी भौतिक भावना है, अभी हमारा भौतिक सुखों की ओर आकर्षण है, पुरुष का स्त्री और स्त्री की ओर आकर्षण, स्त्री का पुरुष की ओर आकर्षण है, ये सब बंधन है। इससे अगर हम मुक्त हो जाते हैं और हमारा मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लग जाता है, हम कृष्ण भावना से भावित हो जाते हैं, तो हमारा जीवन सफल है। अगर हम कृष्ण भावना से भावित नहीं होते तो हमारा जीवन विफल है। विफलता क्या है? हम लोगों को पुनः आवागमन के चक्र में, जन्मन के चक्र में जाना पड़ेगा। जैसा जीवन होगा हमारा, वैसे विचार होंगे अंत में, और उन विचारों के अनुसार हमको अगला शरीर मिलेगा। ये जो शरीरों का परिवर्तन है, ये आत्मा के लिए बड़ा दुखदाई है। आत्मा को शरीरों का परिवर्तन अच्छा नहीं लगता। आत्मा जो है वो अपने स्वरूप को पहचान लेती है कि मैं कृष्ण की अंश हूँ और मेरा काम कृष्ण की सेवा करना है, बस। ये जीवन की सफलता है। तो प्रभुपाद हमें वही सिखाने के लिए आए हैं कि जीवन कैसे सफल होगा हमारा। प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ करके, प्रभुपाद जी के बताए हुए रास्ते पर चल करके हम सबको अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। और ये बात ध्यान रखना बड़ी जरूरी है कि मैं इस संसार से नहीं हूं, ना मैं ये शरीर हूं, ना मैं संसार से हूं। मैं जीवात्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं और मैं पर ब्रह्म श्री कृष्ण का अंश हूं। ये बात याद रखना बड़ी जरूरी है।
तो विश्व रूप जी महाराज जो महाप्रभु के बड़े भाई थे, छोटी अवस्था में ही संन्यास ले लिया, घर छोड़ दिया, 10-11 साल की अवस्था में। और आज के दिन ही हमारे गुरुदेव ने भी संन्यास लिया और आज भद्र पूर्णिमा है। भद्र पूर्णिमा के बारे में मैं भागवत से पढ़ता हूँ। कुछ मायावादी विद्वान तर्क करते हैं कि श्रीमद् भागवत की रचना शिला व्यासदेव ने नहीं की और इन्हीं में से कुछ लोग अपने विचार रखते हैं कि यह ग्रंथ आधुनिक रचना है। तो देखो, मायावादी शब्द यहाँ आया। मायावादी क्या है? ये मायावादी अर्थ है, ये हमारा शरीर जो है ना, ये माया का बना हुआ है, ये नश्वर है। और भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं, मनोहारी लीलाएं करते हैं, तो ये लोग उनको भी अपने जैसा ही समझते हैं, इसलिए इनको मायावादी कहा गया है। भगवान अपनी इच्छा से आते हैं और हमारे कल्याण के लिए दिव्य लीलाएं करते हैं और अपनी इच्छा से चले जाते हैं, जबकि हम सब लोग अपनी इच्छा से नहीं आ सकते। हम माया के अधीन हैं, माया की जो माया जो भगवान की शक्ति है, परा अपरा भौतिक शक्ति, हम उसके अधीन हैं। कर्मों के अनुसार वो हमें जन्म लेने के लिए बद्ध करती है। जैसे कोई किसी का जन्म होता है, जन्म से ही वो बड़े सुख उसको प्राप्त होते हैं। ए बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, चांदी का चम्मच उसके मुंह में। एक जन्म लेता है बेचारा, बुरी हालत है। कर्म अपने अपने हैं, हम माया के अधीन हैं। और ये जो मायावादी, ये भगवान को भी ऐसा ही समझते हैं। अभी जैसे यहाँ पर भागवत के बारे में ये कह रहे हैं कि भागवत जो है ये वेद व्यास जी ने नहीं लिखा, और इन्हीं में से कुछ लोग अपने विचार रखते हैं कि यह ग्रंथ आधुनिक रचना है और इसे भूपदेव नामक किसी व्यक्ति ने लिखा है। भूपदेव ने ऐसे व्यर्थ के तर्कों का खंडन करते हुए शिला श्रीधर स्वामी कहते हैं। श्रीधर स्वामी एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं जिन्होंने भागवत पर टीका लिखी। श्रीधर स्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं कि कई प्राचीन पुराणों में भागवत शब्द का उल्लेख हुआ है, प्राचीन पुराणों में भागवत का उल्लेख हुआ है। श्रीमद् भागवतम का प्रथम श्लोक गायत्री मंत्र से प्रारंभ होता है। इसका उल्लेख प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण में भी भागवत का वर्णन है।
उस पुराण में श्रीमद् भागवत में आए गायत्री मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि आध्यात्मिक उपदेशों में आध्यात्मिक उपदेशों से युक्त अनेक कथाएं हैं जो गायत्री मंत्र से प्रारंभ होती हैं और उसमें वृतासुर का इतिहास दिया गया है। यह भी उल्लेख है कि जो कोई पूर्णिमा के दिन भद्रिमा पूर्णिमा इस महान ग्रंथ का दान करता है उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है और वह श्री भगवान के धाम वापस जाता है। अन्य पुराणों में भी श्रीमद् भागवत का संदर्भ आया है जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि यह ग्रंथ 12 स्कंदों में पूर्ण हुआ है। भागवत के 12 स्कंद हैं जिसमें 18,000 श्लोक हैं। पद्म पुराण में भी गौतम तथा महाराजा अम्बरीश की वार्ता में श्रीमद् भागवत का उल्लेख हुआ है। वहां पर राजा को उपदेश दिया गया है कि यदि वे भव बंधन से मोक्ष चाहते हैं तो नियमित रूप से श्रीमद् भागवत का पाठ करें। भावंदन से मोक्ष चाहते हैं तो नियमित रूप से भागवत का पाठ का भागवतम का पाठ करें। ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत श्रीमद् भागवत की प्रमाणिकता असंदिग्ध है। तो जो लोग मूर्ख हैं बेचारे, जो मायावादी हैं, वो ऐसी बातें करते हैं और अधोपतन को प्राप्त होते हैं। भागवत का वर्णन बहुत जगह पर है जैसा कि मैंने पढ़ा। और भागवत की रचना भगवान वेदव्यास ने की है। भगवान जो हैं वेदव्यास अवतार हैं, उन्होंने सारे ग्रंथों की रचना की, सारे ग्रंथ लिखे। क्योंकि भगवान वेदव्यास के प्रकट होने से पहले गुरु से शिष्य जो सुनता था उसे सब याद हो जाता था। तो भगवान जानते थे कि कलयुग में लोगों को याद नहीं रहेगा, कलयुग में हमारी जो स्मरण शक्ति है बड़ी मंद हो गई है, इसलिए भगवान ने बड़ी कृपा करके सारे ग्रंथ लिखे। 18 पुराण, उपनिषद, 4 वेद सब लिखे। ये सब जब उन्होंने लिखे, व्यास देव जी के गुरु नारद जी हैं। नारद जी महाराज अपने शिष्य को मिलने के लिए आए। भगवान वेद व्यास ने अपने गुरुदेव का स्वागत किया, उनके चरण धोए, उनकी पूजा की,
उनको ऊंचे आसन पर बैठाया। तब वेद व्यास कहते हैं अपने गुरुदेव को, नारद जी को, गुरु महाराज मैंने सारे ग्रंथ लिख दिए लेकिन मुझे कुछ संतुष्टि नहीं हुई, मैं असंतुष्ट हूं। तब नारद जी महाराज ने कहा, हे व्यासदेव, आपने सारे ग्रंथ लिखे लेकिन कहीं भी भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया। कलियुग के लोगों का उद्धार कृष्ण की कृपा से ही हो सकता है। तो फिर जब ये प्रेरणा भगवान वेद व्यास ने नारद जी को दी, नारद जी ने भगवान वेद व्यास को दी, तब वेद व्यास जी ने भक्ति रचना की। इसलिए भागवत में वर्णन आता है, निगम कल्प तरु गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पीवत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भुविर भावक। ये वेद रूपी वृक्ष में कई फल लगे हैं, भागवत जो है वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। और पके हुए फल को कभी तोता चोंच लगाता है तो फल बड़ा स्वादिष्ट बन जाता है। जब सुखदेव जी महाराज ने भागवत का गायन किया परीक्षित महाराज के सामने तो बड़ा ही रस युक्त हो गया। जो रसिक संत थे उन्होंने इससे फिर बड़ा आनंद लिया। तो भागवत महापुराण महाप्रभु ने भी इसकी सराहना की। और भागवत प्राप्ति के लिए भागवत पर्याप्त है। अठारह पुराण है, छह पुराण जो हैं, छह जो पुराण हैं वो सतोगुणियों के लिए हैं, छह रजोगुणियों के लिए, छह तमोगुणियों के लिए। तो ये सारे पुराणों में सर्वोपरि है भागवत महापुराण। तो आज भद्र पूर्णिमा के बारे में कुछ नहीं है, नहीं मिला हैं? भागवत का पढ़ जरा उसको। तो आज के दिन भागवत का दान, सिंहासन कहाँ से लाएंगे? सोने का, सोने के सिंहासन पर रख के दान दिया जाता है। हाँ, रघुनंदन ला सकता कहीं से सोने का सिंहासन, तो बस उसका समझो उसका जीवन सफल हो गया। ये वर्णन आता है। तो वैसे तो संन्यास के बारे में कहा है, कलयुग में चार बातों की मनाही है। कौन कौन सी? गोमेद अश्वमेद यज्ञ, भाई की पत्नी से संतान उत्पन्न करना और संन्यास लेना, ये चार बातें मनाई हैं।
फिर भी प्रभुपाद ने संन्यास लिया, उनकी कृपा से हमने भी संन्यास लिया। जब मना तो क्यों लिया? इसका उत्तर है प्रचार के लिए। महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, जब तक वो गृहस्थाश्रम में थे, वो भी गृहस्थाश्रम में गए तो लोग बड़ी उनकी आलोचना करते थे, मूर्ख लोग। भगवान सोचने लगे मैं इन लोगों के कल्याण के लिए आया था, मेरी आलोचना करके सब नरकों में जाएंगे। भगवान ने 24 साल की अवस्था में संन्यास ले लिया, जब 24 साल के थे, और विष्णुप्रिया माता 16 साल की थी, भगवान ने संन्यास लिया था। उनके बड़े भाई ने भी, उन्होंने छोटी अवस्था में, उन्होंने तो विवाह नहीं किया था, शिला विश्वरूप जिन्होंने आज के दिन संन्यास लिया था, और इसी परंपरा का पालन करते हुए हमारे गुरु महाराज ने भी आज के दिन संन्यास ले लिया था। प्रचार के लिए। वैसे एक वर्णन आता है, जब शिला हरिदास ठाकुर जप करते थे, कौन कर रहा है, शिला हरिदास ठाकुर जप करते थे, 300,000 नाम यानी कि 192 माला, 192 माला रोज करते थे हरिदास जी। तो अवतारी पुरुष थे वो, उनके पास हिंदू लोग जाते थे, प्रणाम करते थे उनको। तो एक रामचंद्र खान नाम का एक व्यक्ति था, वो देखा भाई ये मुसलमान है, बड़ा भजन करता है, इसकी बेइज्जती मैं करूँगा। उसने हीरा भाई नाम की एक वैश्या थी, उस वैश्या को कहा कि देखो ये बड़ा भक्त बनता है, हिंदू लोग जाके इसको सजदा करते हैं, प्रणाम करते हैं, इसकी बेइज्जती करनी है। हीरा भाई कहती है ऐसे बहुत देखे मैंने सन्यासी, नारी मुई संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। औरत मर गई, धन चला गया, पेट पालने के लिए सर मुंडवाया, सन्यासी बन गए। ऐसे सन्यासी मैंने बहुत देखे हैं। तो उसने जो है हीरा भाई ने कहा कि मैं इसकी कलई खोलूंगी। चली गई बड़ा श्रृंगार करके हरिदास जी के पास, ऐसी उल्टा स्त्रियाँ कैसी बातें करेंगी आप समझते हैं, उल्टी सीधी बातें करने लगी हरिदास ठाकुर जी से। और हरिदास ठाकुर ने कहा बेटा मेरा जप पूरा हो जाए। हरिदास ठाकुर 22 घंटे जप करते थे, 24 घंटे में से 2 घंटे में खाना पीना सोना बाकी काम करना, 22 घंटे नाम जपना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, 22 घंटे नाम जपते थे। तो सुबह आ गई वैश्या, सारे दिन बैठी रही, हरिदास जी कहते मेरा जप तो पूरा हो फिर मैं तेरे साथ बात करता हूँ। एक दिन आई, दूसरे दिन आई, नकल करने लगी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, अरे जब नकल करने लगी 2-3 दिन वो आती रही। 3 दिन के बाद जो है वो रोने चिल्लाने लग पड़ी। अरदास जी कहते क्या हुआ, कहते मैं बड़ी पतित हूँ,
ऐसे ही रामचंद्र खान के कैंट पे मैं आ गई, मैंने बड़ा अपराध किया, मुझे क्षमा करो। हरिदास जी कहते हैं 3 दिन पहले ही मैं यहाँ से जाने वाला था, लेकिन मुझे पता लगा तुम आ रही हो, मैं नहीं गया। तो वैश्या कहती है मुझे क्षमा करो, मैंने ये जो पाप किया है इसका प्रायश्चित करना चाहती हूँ मैं। बोले क्या चाहती हूँ? कहते मैं आपकी शिष्य बनना चाहती हूँ। वो तेरे पास इतनी धन संपत्ति है, इसका क्या करेगी कि जो आज्ञा करो। उसने सारा धन ब्राह्मणों में, भक्तों में, गरीबों में सारा धन बांट दिया और केवल एक धोती पहन के कहते अभी मेरे पास एक यही धोती और कुछ नहीं है। हरिदास जी ने उसको दीक्षा दी। क्या दीक्षा दी उन्होंने? हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम राम। दीक्षा दी भगवान के नाम की, हरि नाम की दीक्षा। बोलो यहाँ बैठ के तुम जप करो। और जहाँ पर हरिदास जी की भेंट हुई थी वहाँ से हरिदास जी चले गए। और ये वैश्या हीराबाई फिर इतनी महान भक्त बनी, इसके आगे कई शिष्य बने। कोई भी भक्त बन सकता है। जैसे वो एक भजन में गाया गया है, ये भजन मीरा भाई का है। अब मैं शरणतिहारी जी मोहे राखो कृपा निदान, मोहे राखो कृपा निदान। हे प्रभु, ये बेसुरी ताली कौन बजा रहा है? कहीं को आनंद आता तो ताली ऐसे बजाते रहते हैं। ओह नहीं, वो ठीक नहीं, बेसुरी ताले नहीं। अगर सुर ताल की बजा सकते हो, सुर कहते हैं गाने को, ताल कहते हैं बजाने को। सुर के साथ ताल को चलना चाहिए, ना कि सुर जा रहा इधर और ताल जा रहा उधर, ऐसा नहीं। मैं शरण तिहारी जी मोगे राखो कृपा निधान, मोगे राखो कृपा निधान। आजा मिल अपराधी तारे, आजा मिल अपराधी तारे, तारे नीच सदा, तारे नीच सदा, जल डूबत गजराज उबारे, गनिका चढ़ी बीमा, मोगे
राखो कृपा नीना मोगे मैं शरण तिहारी जी मैं शरण मोगे राखो कृपा नीना मोगे राखो कृपा और अधम तारे बहु तेरे और भाकत संत सुजा कुबजा नीच भीलनी तारी जाने सकल जहां मोगे राखो कृपा निदान मोगे राखो कृपा मोगे राखो कृपा निदान मोगे मैं शरण तिहारी जी मोगे राखो कृपा निदान मोगे कहाँ लग कहो गिनत नहीं आवे कहाँ लग कहो थकी रह वेद पूरा मीरा दासी शरण तिहारी सुनिए दोनों कान मोगे राखो कृपा निदान मोगे मोगे राखो कृपा निदान मोगे मैं शरण तिहारी जी मोगे शरण मोगे राखो कृपा निदान हमारे मोगे राखो कृपा निदान कृपा निधान 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 ये मीरा जी का भजन है। शरीर से हमारे भाई एक वो इस भजन को बहुत गाया करते थे। मीरा माता कह रही हैं अब मैं शरण तिहारी जी मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु मुहे राखो कृपा निधान मेरी रक्षा करो। फिर वो क्या कह रही अजामिल पर अजामिल बहुत बड़े अपराधी थे और एक सदन कसाई थे तारे नीच सदान नीच सदन कसाई का भी उद्धार किया आपने। जल डूबत गजराज उबारे गजराज पानी में डूब रहे थे ग्रह ने उनको पकड़ लिया था उनकी रक्षा आपने की। गणिका चढ़ी विमान गणिका एक वैश्या थी वो भी भक्त बन गई वो विमान पर चढ़ के धाम को चली गई। मोहे राखो कृपा निधान ये जो गणिका वैश्या थी ये इसने भगवान रंग जो है वो भी कृष्ण भगवान है रंग भगवान से इसने क्या मांगा गणिका ने
पगड़ी इसको गिर रहा है। बार बार बर मांगी हो, बार बार बर मांगे हो, सुनिए कृपा निधान, किसी को याद है ये श्री रंग पानी भक्ति सदा सत्संग। बार बार बर मांगी हो, हर्षद हो श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। हे कृपा निदान, मैं आपसे बार बार यही बार मांगती हूँ। वैश्या कह रही है भगवान को, बार बार बर मांगे हूँ, हर्ष देव श्री रंग, रंग भगवान बड़ी प्रसन्नता से मुझे बर दो। पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग, आपके चरणों की निष्काम सेवा और सत्संग, अच्छे पुरुषों का संग मिले मेरे को। तो ये वैश्या मांग रही है भगवान से। वो बस विमान में चढ़कर चली गई धाम में। गनिका चढ़ी विमान, मोहे राखो कृपा निधान। कुछ नाम तो बताए, फिर कहते हैं मीरा माता, और अधम तारे बहु तेरे, और बहुत से अधमों का उद्धार किया आपने। भाकत संत सुजान, कुबजा नीच बिलनी तारी। कुबजा जो है कृष्ण अवतार में एक कुबजा और थी, तो वो चंदन ले जा रही थी घिस करके। चंदन जब ले जा रही थी घिस करके, तो भगवान ने कहा हमको दो कतल लाओ। वो कंस के लिए ले जा रही थी, तो चंदन दिया। कुबजा ने भगवान को अपने घर में बुलाया, भगवान ने उसके पीठ पर लात मार के कुब सीधा कर दिया और सुंदर स्त्री बना दिया उसको। और कृष्ण लीला में ही भगवान जब मथुरा में गए थे, तो एक धोबी, दुष्ट धोबी कंस के कपड़े धोने जा रहा था। उसने बोला, भगवान ने कहा कि हमें भी कुछ कपड़े धो, से जा। तो कपड़े पहनने के लिए भगवान ने एक लगाई इसको, बाहीं लटा दिया उसको, धराशाई कर दिया धोबी को। और गनिका जो है उसका उद्धार कर दिया, कुब्जा का उद्धार कर दिया, बिलिनी के जूठे भी खाए भगवान ने। बिलिनी के नाम से एक भजन याद आ गया मेरे को, भाई वो तो मैंने निकालना पड़ेगा अभी। भक्तों के घर भी सांबरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सांबरे रहा करो, दर्शन के नैन बांबने दर्शन दिया करो, भक्तों के घर भी सामने आते रहा करो, भक्तों के घर
राम कृपा दिखला दे तो ये संत मिलन हो जाता है। संत मिलन और संत कृपा दया, संत दया दिखला दे तो बड़ा कुछ मुझ नहीं करना, काटा मारो खाली। भगवत मिलन हो जाता है, भगवत राम कृपा दिखला दे तो संत मिलन हो जाता है। संत दया दिखला दे तो संत दया भगवान से मिलन हो जाता है, भगवान मिलन हो। भक्तों के घर भी सांबरे आते रहा करो, भक्तों के घर दर्शन के नैन बांबरे दर्शन दिया करो, दर्शन भक्तों के घर भी सांबरे आते रहा करो, सूरत कॉलोनी आपकी आंखों में बस गई, सूरत कॉलोनी आंखों में बस गई, ऐसी झलक मिली हमें दीवाना कर गई, ऐसी झलक मिली हमें दीवाना कर गए, बढ़ती रहे दीवांगनी, बढ़ती रहे दीवांगनी, ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा। भक्तों के घर भी सांभरे आते रहा करो, दर्शन के नैन बांबरे दर्शन दिया करो, दर्शन के नैन भक्तों के घर भी सांबरे आते रहा करो, भक्तों कुछ ना घटेगा आपका आकर तो देखिए, पल के बिछाई राह में हमने तेरे लिए, पल के खाली पड़ा है दिल मेरा, खाली पड़ा इसमें आके रहो, इसलिए पड़ा है दिल आके रहो,
दर्शन के नैन बामरे दर्शन दिया करो दर्शन भक्तों के घर भी सामने आते रहा करो सुदामा के तंदुल में लाइट नहीं है इधर वही थोड़ा इधर कर देना लाइट को उधर क्यों रखा है इधर से दिखा इधर इधर से इसके ऊपर कर अरे उधर लाइट को तो दिखा ला मेरे को दिखा लाइट को दिखा मेरे को दिखा लाइट को दिखा रहा है तो क्या बात है सुदामा के तंदुलों में दखल ना थी प्रेम था और भिलनी तटफट तो बहुत करता ना सब गड़बड़ हो जाती है और माधवी और मालिनी कुबजा की कोई शक्ल ना थी प्रेम था धन्य की पूजा में कोई अकल ना थी प्रेम था भाई मीरा के कीर्तन में नकल ना थी प्रेम था कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए छिलके तंदुल सुदामा याद के तंदुल सुदामा याद के गिरधर को भागे यार तंदुल सुदामा यार के गिरधर को भागे तंदुल भिलनी के झूठे देर प्रभु काटे रहा करो भिलनी के झूठे देर प्रभु काटे रहा भिलनी के झूठे काटे रहा करो भिलनी के झूठे बे दर्शन के नैन बामरे दर्शन लिया करो हरि बोल दर्शन भक्तों के घर भी सामने आते रहा करो भक्तों के घर भी सामने करताल कौन बजा रहा है कौन बजा रहा है करताल बेकार बज रही है रहने दो भक्तों के घर भी सामने आते रहा करो भक्तों के दर्शन के नैन बामरे
दर्शन दिया करो, दर्शन के भक्तों के घर भी सामने आते रहा करो, भक्तों के घर भक्तों की शान आप हो, भक्तों का मान हो, भक्तों की शान आप हो, भक्तों का मान हो, भक्तों की जिंदगी तन मन प्राण हो, भक्तों तेरे नाम की हमें प्रभु भक्ति दिया करो, तेरे नाम की हमें प्रभु मस्ती दिया करो, तेरे नाम की हमें प्रभु मस्ती दिया करो, तेरे नाम की प्रभु मस्ती दिया करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, दर्शन के नैन बांवरे दर्शन दिया करो, दर्शन भक्तों के घर भी सामने आते रहा करो, भक्तों के घर भी सामने माना तुम्हारे चाहने वाले अनेक हैं, कौन से हीरे झड़े थे नरसी की खड़ताल में, कौन से हीरे झड़े थे नरसी की करताल में, और मन में भी जाकर ठाया था द्रौपदी के थाल में, और मन में भी जाके था खाया द्रौपदी की थाल में, क्या समझ कर बंद गए नंद के जंजाल में, क्या समझ क्या समझ कर लाया था निर्धन पटे रुमाल, निर्धन भक्तों के घर भी सांबरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सांबरे आते रहा करो, भक्तों के दर्शन के नैन बांवरे दर्शन दिया करो, दर्शन के नैन
घर विषाम में आते रखा करो माना तुम्हारे चाहने वाले अनेक हैं उन पागलों की भीड़ में बिन्नु भी एक है उन तेरी दया का पात्र मुझ पर दया करो तेरी दया का पात्र मुझ पर दया करो तेरी दया का पात्र हूँ मुझ पर दया करो तेरी दया का मुझ पर दर्शन के नैन बामरे दर्शन दिया करो दर्शन दर्शन भक्तों के घर भी सांवरे आते लगा करो भक्तों के घर भक्तों के घर भी सांवरे आते लगा करो दर्शन के नैन बांबरे दर्शन दिया करो भक्तों के घर भी सामने रहा करो दर्शन के नैन बांबरे दर्शन दिया करो भक्तों के घर भी सामने आते रहा करो पहले वाला भजन काम तो पहले जा बोलो मोर मुकुटवंशी वाले की तो भजन के अंतर भजन दो भजन आगे मीना जी कहती हैं प्रभु अब मैं शरण तिहारी जी मैं आपकी शरण में हूँ मुहे राखो कृपा निधान मेरी रक्षा करो अब मैं शरण तिहारी जी मोहे राखो कृपा निधान ये कृपा के सागर मेरी रक्षा करो अजामिल अजामिल का उद्धार किया आपने नीच सदन थे कसाई उनका उद्धार किया जल डूबत गजराज उबारे गजराज पानी में डूब रहे थे उनकी रक्षा की गणिका विमान पे चढ़ के आपके धाम में आई मेरी भी रक्षा करो प्रभु कहती हैं और अधम तारे बहु तेरे बड़े अधमों का आपने उद्धार किया जिनमें भाकत संत सुजान कुब्जा नीच बिलनी तारी
कुब्जा जो थी उसने भगवान केवल चंदन दिया, भगवान ने उसका उद्धार कर दिया, सुंदर स्त्री बना दिया उसको। जाने सकल जहान सब जानते हैं, कहाँ लग कहूँ गिनत नहीं आवे, थकी रहे वेद पुराण। मीरा माता कहती हैं कहाँ तक कहूँ, मैं गिनती नहीं कर सकती, वेद पुराण थक गए। मीरा दासी शरण तिहारी, सुनिए दोनों कान, मोहे राखो कृपा निदान। मीरा दासी जो है मैं आपकी शरण में है, दोनों कान दे के सुनिए, मेरी रक्षा कीजिए। देखो मीरा भाई जो थी पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित। मीरा जी जब मेवाड़ से वृंदावन आई, वृंदावन में भेंट हुई हमारी एक आचार्य श्री राजीव गोस्वामी जी महाराज से, उन्होंने कहा ये तो कोई गोपी का अवतार है। जीव गोस्वामी जी ने कहा। फिर मीरा जी द्वारका में चलेंगी, द्वारका गुजरात में, पीछे मेवाड़ में बुरी हालत हो गई, सूखा पड़ गया, राणा की दुर्गति हो गई। भक्त के चरणों में अगर हम अपराध करेंगे ना तो सदगति नहीं हो सकती, दुर्गति ही होगी। तो ब्राह्मणों ने कहा आकर राणा को कि देखो मीरा जी यहाँ से चली गई इसलिए हो रहा है। कहते फिर आप जाके मीरा जी को लेके आओ। ब्राह्मण लोग द्वारका में आ गए और उन्होंने कहा कि चलिए आप। कहते नहीं मैं नहीं जाना चाहती। कहते अगर आप नहीं जाएंगी तो हम यहीं पर प्राण दे देंगे अपने, हम भी यहीं मर जाएंगे। अच्छा फिर मैं अपने भगवान को पूछ के आती हूँ। मीरा जी द्वारकाधीश के मंदिर में गई, मंदिर में गई और भगवान से बात की। उन्होंने हुआ क्या, भगवान के दिव्य जो शरीर है, भगवान की मूर्ति, उसमें ही प्रवेश कर गई मीरा। किसी को नहीं दिखी कहाँ गई, पता भी इतना सा साड़ी का पल्लू बाहर रह गया, वो देखा भाई मीरा द्वारकाधीश जी की मूर्ति में प्रवेश कर गई थी। तो बहुत बड़ी भक्त हुई है मीरा और इन्होंने महाप्रभु को भी पहचाना कि महाप्रभु जो हैं साक्षात भगवान हैं। तो भक्तों की कृपा से ही भगवत प्राप्ति होती है। राज भद्र पूर्णिमा है, आप में से अगर कोई भागवत का दान करना चाहता है, एक मैं भी सोचा था कि भागवत का दान मैं भी करूँगा, किसको करूँ, उसको हरिद्वार वाले को। अच्छा सोने का कोई छोटा सा बना के ले आ, तुम उस पर रख के देंगे भागवत। अरे तो मालदार स्वामी है तुम तो हैं, हाँ चैन चैन पर वापस नहीं मिलेगी, पर चैन पर रख के सोना विष्णु जी को पूछ लो, मृदुल जी को पूछ लो, वो प्रभुपाद जी का भागवत मृदुल जी को कर दो, पूछ लो उनको आज भद्र पूर्णिमा के देने के भागवत दान नाम कर देते हैं। है हमारे पास पेड़ भागवत है तो है नहीं, क्या करें, तो पुण्य सारा तुम्हें मिलेगा। ठीक है ठीक है, तो आप मृदुल जी को दे देंगे। ठीक है ठीक है, सबका धन्यवाद, हरे कृष्ण। सोने की चेन का दान आज रघुनंदन जी करेंगे। जब सोने की चेन पर भागवत को रखा तो फिर सोना है। अच्छा ये आज के दिन सोने साने का दान करो, कागजों का दान।
धीरे से किया कर, बड़े आराम से। हाथ धोने के लिए पानी दो पहले। डॉक्टर ऋषि सहाय प्रयागराज से, प्रयागराज से ऋषि सहाय, ऋषि सहाय जी आप यहाँ आने वाले थे हमारे पास, आए क्यों नहीं आए? डॉक्टर ऋषि सहाय आप यहाँ क्यों नहीं आए? हरे कृष्णा, परम पूज्य श्री गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। अरे एक मिनट, उसको ठीक तो ना लगाया, मूर्ख, इधर कर लेना थोड़ा, ठीक इधर करके लगाओ उसको पहले, हाँ फिर ठीक है। हाँ महाराज जी, आज हमें परम पूज्य जगत गुरु, परम दयालु, परम कृपालु, पूरे विश्व में हरि नाम की धूम मचाने वाले श्री प्रभुपाद जी के चरणों के और आपके श्री चरणों के आशीर्वाद से मुझे आज इस पावन अवसर भद्र पूर्णिमा और प्रभुपाद जी के संन्यास दिवस के उपलक्ष में चुप ये महाशुभ अवसर प्राप्त हो रहा है कि मानव जीवन में आप श्री के चरणों का मैं अपने माता पिता डॉक्टर ब्रजेंद्र बिहारी सहाय और श्रीमती रचना सहाय जी के नाम से श्रीमद् भागवतम महापुराण का महापुण्य प्राप्ति कर सकूं और आप श्री के चरण चरणों का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। श्री गुरु महाराज जी, मैं आपको ये भागवतम का भेंट करना चाहता हूं, जल्द ही आपके चरणों में पहुंचूंगा। सब भक्तों को माता जी को दंडवत प्रणाम। डॉक्टर सहाय जी धन्यवाद आपका। जाह्नवी सेठ माता जम्मू से, जाह्नवी सेठ माता जम्मू से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके पावन चरण कमलों में मेरा जहांगीर, जाह्नवी जाह्नवी सेठ, मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, मेरे शरीर के पिताजी बीमार हैं, उनके कान से पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है और वो असल में ब्रेन के थ्रू आ रहा है। गुरु महाराज, आप प्लीज़ उन्हें आशीर्वाद दीजिए कि वो ठीक हो जाएं जल्दी और उन्हें भक्ति मिले इसी जन्म में, धन्यवाद। तो सुनो, किसका जन्मदिन है? प्रद्युमन है तेरा, ये तेरा जन्मदिन, इसको खोलो। प्रद्युमन तो केक काटेगा ना? हाँ काटेगा। कृष्णा क्या करते हैं? चलो उठा उठा ले। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड। ये घड़ियाल कहाँ से लाया आप इतना बड़ा? ये घड़ियाल कहाँ से आया? तेरा बर्थडे में आया? और ये घड़ी है या घड़ियाल है ये? हाँ इसको घड़ियाल बोलते हैं, घड़ियाल। बहुत बड़ा है, देखो। पूछो अपनी माता जी को, माता जी को पूछो है घड़ियाल नहीं। चल आप केक काट ले, चल। ये क्या है? शिला प्रभु मेरे लिए है, ठीक है, धन्यवाद है तुम्हारा, जाओ। अच्छा ये लो केक काटो, ये दोनों हाथ से पकड़ कर। ए क्या कर रहे हो? गया हो गया। प्रद्युमन तुम तो केक का हलवा बना रहा। तेरे पिताजी कहाँ है? तेरे पिताजी कहाँ है? ऊना। अच्छा आज तो बुलाओ, चल लाओ इधर, इधर आओ। प्रद्युमन वो कहा पानी वाला कान गया, प्रद्युमन ठहरा था, पानी वाला कान गया। प्रद्युमन मैंने सुना तो समोसे बहुत खाता है, समोसे बहुत खाता है तू? कितने खाता है? दो। अच्छा अच्छा, ये थोड़े ही है यार, ज़्यादा नहीं है। फिर मैंने सोचा चार पांच समोसे खाता है तू, दो। ठीक है ठीक है, थोड़ा सा पानी दे लो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, पुष्प
हरे प्रद्युमन, इतना घड़ियाल बहुत बड़ा है, ये तू मेरे को दे दे, ठीक है? अच्छा दोनों हाथ उसने दिए, ये भी ले लिया, ये दोनों एक एक देना है, लाओ चलो चलो बाकी लोग आओ। अच्छा अच्छा को कोई भी नहीं हाथ लगाना, माता जी छूना नहीं। अच्छा माता जी आपने जप करना शुरू किया नहीं, कितनी माला? 16 नियम से करो माता जी। आप भाग्यशाली हैं कि भक्त लड़की दी, भक्त बेटी दी भगवान ने आपको, है ना? और दामाद भी भक्त। तो माता जी कहाँ रहती हैं? हल्द्वानी में। अच्छा अच्छा हरे कृष्ण। चलो जाओ जाओ।